Well, good morning to everybody. It is me Adesh Sharma from Spoken English Channel Jalalabad. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इम्प्रेसिव टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि मैं कहूँ कि सभी टेंसों में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो कोई हाइपरबल नहीं बोल रहा हमें। रियली पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। जब हम इसकी पहचान पर आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में था थे थी आ ए ई या ये यी ता था ते थे ती थी आदि शब्द आते हैं और इसके अफर्मेटिव वाक्यों का जो रूल है बनाने का उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लुरल नंबर हो सभी के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई मीन टू से इसमें अफर्मेटिव वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो करेंगे ही। इसमें चार तरह के स्ट्रक्चर पाते हैं हम। अब आपको वन बाय वन समझना है। पहला सेंटेंस है वह कल आगरा गया था तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। सपोज करो अगर सेंटेंस होता हम कल आगरा गए थे तो वी वेंट टू आगरा यस्टरडे। मतलब चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लुरल नंबर हो सबके साथ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं वह स्कूल जाया करता था करते थे के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू आदत के लिए ही यूज टू गो टू स्कूल या मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं ही वुड गो टू स्कूल। यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर थ्री वह अंग्रेजी बोल सकता था ही कुड स्पीक इंग्लिश। कैन के सेकंड फॉर्म कुड का प्रयोग करेंगे सकता था के लिए। स्ट्रक्चर नंबर फोर उसे बाजार जाना पड़ता था या उसे बाजार जाना पड़ा था इसमें हैव टू की सेकंड फॉर्म हैड टू का प्रयोग करेंगे। ही हैड टू गो टू मार्केट। ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लुरल नंबर हो सबका एक ही रूल है। जिस तरह से वह बाजार नहीं गया था ही डिड नॉट गो टू मार्केट या हमने खाना नहीं खाया था वी डिड नॉट ईट फूड। यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के बाद डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें नेवर के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जिस तरह वह दिल्ली कभी नहीं गया ही नेवर वेंट टू दिल्ली। उन्होंने पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी दे नेवर रेड बुक्स। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्योंकि इसकी हेल्प में डिड है तो जब फर्स्ट टाइम वाक्य बनाएंगे तो उसका फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से क्या वह कल बाजार नहीं गया था डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया था डिड यू नॉट कॉल हिम। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में यदि वाक्य के बीच में क्या कहाँ आया है तो उसके अंग्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे उसके बाद फार्मूला वही लग जाएगा पहले वाला। वह स्कूल क्यों नहीं गया था व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया था व्हाई डिड यू नॉट कॉल हिम। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन दबाना न भूले। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स।